कोई भी गिलास के साइज़ का एक बॉक्स ले लीजिए, जिसके अंदर आप प्लास्टिक का बॉक्स ले सकते हैं, लोहे का बॉक्स ले सकते हैं, कैसा भी ले लीजिए। तो यहाँ पे मेरे पास प्लास्टिक का एक बैंडेज का बॉक्स है जिसका मैं यूज कर रहा हूँ। तो इसके अंदर से जो भी जो मटेरियल है वो आप निकाल लीजिए, अपने काम का है या कोई एक्स्ट्रा है वो चीज़ें आप इसके अंदर से निकाल लीजिए। इसके बाद में आपको क्या करना है, आप इसके ऊपर एक छेद निकाल लीजिए। आपको इसके मिडल पॉइंट में एक छेद निकालना है जहाँ पे हम अपनी चिलम लगाएंगे। तो आप एक पैन का यूज कर सकते हैं स्ट्रॉ बनाने के लिए, या आप कोई पाइप भी ले सकते हैं, पतला पाइप हो अगर आपके पास तो आप उस पाइप का यूज़ कर लीजिए। ये एक मटेरियल है जो आपको इंजन की दुकान पर मिल जाएगा, आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। इसे पंप बोलते हैं, इसे आप परचेज़ कर लीजिए। उसके बाद में आपको ये दोनों पुर्जे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने पाइप को इस प्रेस से फिट कर दिया है उसके बीच में। तो यहाँ पे हमारा जो तैयार हो गया, उसके पास में जहाँ से हम हमारा जो धुआं आएगा, जहाँ से हम उसको खींचेंगे, वो एक छेद और निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम एक छोटी स्ट्रॉ लगा देंगे, जो स्ट्रॉ आपको वहीं पे मिल जाएगी। आप किसी कबाड़ी की दुकान से या इंजन की दुकान से आप ये पार्ट्स ले सकते हैं, आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने स्ट्रॉ लगाने के लिए जहाँ से हम धुआँ खींचेंगे वो छेद भी निकाल लिया, और चिलम रखने के लिए भी मैंने जगह बना ली है। तो आधे से ज़्यादा हमारा होका तैयार है। बस हमें क्या करना है, हमें एक स्ट्रॉ लगानी है। स्ट्रॉ के लिए हमने जो जगह छोड़ी थी वहाँ पे हम एक पतली पाइप लगा देंगे। आप पतली पाइप लगा सकते हैं, अगर आपके पास पाइप है अलग तो वो पाइप आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। होके कि आपके पास वायर है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने फिट कर दी। उसके बाद में हम इसके अंदर पानी डालेंगे। पानी आप इसे फुल फिलअप मत कीजिए, इसे थोड़ा ओपन रख लीजिए ताकि अपनी आवाज़ भी सही आए और हमें ऐसे फील हो कि हमारा प्रीमियम होका है। तो यहाँ पे अब हम इसके अंदर तम्बाकू डाल देते हैं। तो यहाँ पे फ्लेवर वाला तम्बाकू है, आप कौन सा भी तम्बाकू का सेवन कर सकते हैं, लेकिन तम्बाकू सेहत के लिए हानिकारक है, आप ये ध्यान रखें। तो यहाँ पे हमने जो तम्बाकू डाल दिया, उसके बाद में कुछ यहाँ पे आग डाल देते हैं इसके ऊपर। अब चिलम को वहाँ पे फिट कर देते हैं। तो हमारी चिलम फिट हो गई है। अब देख सकते हैं कि आप होका वेल परफेक्ट काम कर रहा है। आपको इसके अंदर से हम धुआं निकाल के भी दिखा देंगे कि ये देखिए आप, हमारा जो होका है फुली तैयार हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के अंदर शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। हमारे चैनल पर इसी तरह बने रहें।